हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डीप। आज से मैंने आपके लिए कंप्यूटर भी स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपके लिए मोर देन 1000 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो मैं आपसे लास्ट में इस वीडियो के बाद आपसे पूछूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे पहले बेसिक्स पढ़ाने चाहिए उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंटिन्यू करने चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आज 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को ये वाला पैटर्न अच्छा लगता है या फिर मैं बेसिक से एक एक टॉपिक लेके आपको पढ़ाऊँ वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने आज सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही रखे हैं जो कि बेसिक से है, ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल जो है कंप्यूटर का उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। तो हार्ड डिस्क में नहीं, फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं, सीपीयू चिप देखते हैं, इसके बारे में बताती हूँ आपको मैं, मेमोरी चिप नहीं। सीपीयू चिप यहाँ पे सही आंसर है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है सीपीयू होता है हमारा एक, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं सीपीयू के, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जब कोई भी इनपुट इसको दिया जाता है सीपीयू को, तो वो या तो कंट्रोल यूनिट में जाता है या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाता है, और उसके बाद यहाँ से ही हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे लेट्स से मैंने लिखा इनपुट में ए बी सी, ठीक है, अगर मैंने ए बी सी लिखा तो ये सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू देखेगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन तो नहीं है, लेकिन उसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है, तो वो उसको कंट्रोल यूनिट को भेज देगा, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट इस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पे भेज देगी। लेकिन वहीं अगर मैंने लिखा 5 प्लस 10, ठीक है, तो अब सीपीयू देखेगा कि ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसके बाद सीपीयू का क्या करेगा, इसको सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा, कंट्रोल यूनिट इसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए, इस एडिशन को करने के लिए। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका आंसर निकालेगा और उस आंसर को फिर से सीयू को भेजेगा, और उसके बाद सीयू जो है वो आंसर हमें आउटपुट पे दिखाएगा। यानी कि क्या होता है इसमें प्रोसेस क्या होती है, इसमें यह होता है कि अगर हमने कोई भी नॉर्मल डेटा भेजा जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है, तो क्या होता है, हमारा डेटा जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करने के बाद वो उस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस को दे देती है जहाँ पे वो हमें शो होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हमने कोई अरिथमेटिक से रिलेटेड कोई भी इनपुट इंसर्ट किया, जैसे कि 5 प्लस 10 जो मैंने आपको बताया, तो वो इनपुट कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता तो वो कंट्रोल यूनिट के पास ही है, कंट्रोल यूनिट देखती है कि एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो वो उसको ALU को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अब ALU उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और उस प्रोसेस करने के बाद वो वापस जो आंसर आता है उसको वो वापस कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, और कंट्रोल यूनिट उस आंसर को आउटपुट डिवाइस पर भेजती है। यानी कि इन शॉर्ट, आंसर तो हमें, आउटपुट तो हमें कंट्रोल यूनिट ही देता है, लेकिन अगर वर्ड इनपुट है तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है, लेकिन अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो कंट्रोल यूनिट उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन के देती है, उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद हमें वापस कंट्रोल यूनिट को देता है और कंट्रोल यूनिट हमें उसका आउटपुट दिखाती है। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आपको पता है हमारी अब तक 5th जनरेशन है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ये इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की,
वो 1945 से 1959 तक थी, ठीक है। उसके बाद 1959 से 1965 तक हमारी सेकेंड जनरेशन थी, ठीक है। उसके बाद 65 से 71 हमारी थर्ड जनरेशन थी, 71 से 80 तक हमारी फोर्थ जनरेशन थी, और 80 से अभी तक यानी कि प्रेजेंट हमारी फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। इस जनरेशन में हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें यूज़ किए थे हमने ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ की आईसीज। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज़ की VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन है वहाँ हम यूज़ करते हैं ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन में ही यूज़ आते थे, ठीक है। इनको कोई भी और नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, एक रूम के बराबर ये होते थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। उसके बाद सेकेंड जनरेशन को कमर्शियल यूज़ में लिया गया, ठीक है, कमर्शियल यूज़ में, जैसे फैक्ट्री वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ लिया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन को बैंकिंग, ठीक है, और डेटाबेस में यूज़ लिया गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली इसमें ऐड की गई, ठीक है। हाँ, थर्ड जनरेशन में ये जो कंप्यूटर थे वो कॉमन लोगों के लिए यूज़ आने लग गए थे, आप और हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के लिए यूज़ आने लग गए थे, लेकिन फर्स्ट सिर्फ साइंटिस्ट के लिए थे और सेकंड सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। थर्ड जनरेशन में बैंकिंग और डेटाबेस में यूज़ लिया गया, फोर्थ जनरेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग जो ऑनलाइन वगैरह होता है उसमें यूज़ लिया गया, और फिफ्थ जनरेशन में अब आपको पता होगा क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, तो मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में यूज़ की गई, तो मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ की गई थर्ड जनरेशन में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टी प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ लिया गया, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर यूज़ लिया गया था फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन और मल्टी प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए गए थे, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हुआ, थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से थे, इसके उससे पहले ये जो एनिएक और यूनिवेकन की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। एनिएक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ठीक है, और यूनिवेक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो एनिएक है ये ही हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है, और यूनिवेक जो है ये फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था और सेकंड जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है, ठीक है। एनिएक था हमारा फर्स्ट जनरल कंप्यूटर, यूनिएक था हमारा सेकंड जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर। और इन दोनों को ही डिज़ाइन किया था एक्वर्ड एंड मूसे ने। किसने, एक्वर्ड एंड मूसे, ठीक है। तो ये दोनों कंप्यूटर डिज़ाइन किए थे एक्वर्ड एंड मूसे ने, ठीक है, दो अलग अलग नाम है ये, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एनिएक, ठीक है। एनिएक इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्डवेयर वर यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन और बाकी जितनी भी जनरेशन है पांचों जनरेशन के बारे में बताया था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ लिए गए थे। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ मैं कि 1 बिट जो होती है वो होती है हमारी 0,
और वन, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ज़ीरो मतलब होता है ऑफ और वन मतलब होता है ऑन, ठीक है, स्विच ऑफ स्विच ऑन। तो ज़ीरो मतलब स्विच ऑफ और वन मतलब स्विच ऑन, ठीक है। उसके बाद अगर हम चार बिट्स को कनेक्ट कर दें तो हमारा बनता है निबल, ठीक है। वन बिट इज़ निबल, सॉरी फोर बिट इज़ निबल। उसके बाद अगर 8 बिट कर दें जो कि हमारा क्वेश्चन है तो बनता है हमारा वन बाइट, ठीक है। और वहीं अगर हम 16 बिट को कंबाइन कर दें तो बनता है हमारा वन वर्ड, ठीक है। तो समझ आया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड वन बाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे नहीं दिया है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑफन कॉल्ड। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रही थी मैं CPU के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि CU ही इनपुट लेता है और CU ही हमें आउटपुट देता है। तो क्लॉक तो नहीं हो सकती ना, ये ICs नहीं हो सकती, ऑल ऑफ द अब तो होगा कैसे अगर ये दो ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज भी देखते हैं उगता है कि नहीं। नर्व सिस्टम, नर्व सेंटर। नर्व सेंटर क्या होता है, जैसे हम इंसानों में होता है हमारा एक नर्व सिस्टम होता है डॉक्टर लैंग्वेज में। अगर वो कहते हैं कि अगर हमारा नर्व सिस्टम फेल हो जाए तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे, हम मूव नहीं कर सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर का भी नर्व सिस्टम होता है कंट्रोल यूनिट। अगर कंट्रोल यूनिट वर्क करना बंद कर दे तो कंप्यूटर एक डब्बा बन जाएगा जो किसी भी काम का नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट इज़ अ नर्व सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज। तो मैंने अभी आपको बताया था मॉडर्न कंप्यूटर में क्या यूज़ ली जाती हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। LSI इज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, लिख देती हूँ मैं, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल, ठीक है, और I फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर में हम क्या यूज़ लेते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में थी इंटीग्रेटेड चिप, फोर्थ में थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और फिफ्थ जनरेशन में थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ ऑप्शन नंबर ए, LSI चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज़ IC इज़ वॉट। तो IC सिलिकॉन चिप की बनती है, बिल्कुल सही है। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, नो, ये बहुत ही इजी है सर्किट, इसका बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मच कॉस्टियर देन ए सिंगल ट्रांजिस्टर, नो, ट्रांजिस्टर यूज़ लेते हैं हमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जिनकी साइज़ बहुत बड़ी थी। उन कंप्यूटर की साइज़ छोटी किस वजह से हुई, क्योंकि हमने इन ट्रांजिस्टर्स को IC चिप में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि IC चिप बहुत ही छोटी सी चिप होती है, जिसकी वजह से आज जो कंप्यूटर है हमारे हाथों में आ गया है हमारा फ़ोन, तो ये सिर्फ IC की वजह से ही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, IC इज़ अ फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप, ठीक है। सिलिकॉन चिप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ICs किसकी बनी होती है, तो आंसर होगा हमारा सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सिस्टम फ्लो चार्ट, नो, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, नो, एल्गोरिथम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यस, दिस इज़ आवर आंसर। कि कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, एल्गोरिथम लिखी जाती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जैसे कि जैसे लिखते हैं प्रोग्रामर्स जावा, PHP, इनका नाम आपने सुना होगा, C++, जावा, PHP, पाइथन। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें बाद में
कन्वर्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं कन्वर्टर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि कंप्यूटर रीड कर सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिथम्स रिटर्न इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एंड कन्वर्ट दैट डेटा इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन यूज़। तो कंप्यूटर को डेटा देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से हम डेटा देते हैं जिसे कंप्यूटर रीड करता है और कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती हैं। रैम जो है, तो एक बार वो मैं आपको बता देती हूँ बाद में, ठीक है, रैम और रोम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है समझने के लिए, इसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। ये कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, और जो हम बाहर से यूज़ करते हैं जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी स्टोरेज। यस, जब भी हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है। उसके बाद एक्सपेंसिव मेमोरी, यस, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ये एक्सपेंसिव होती है प्राइमरी मेमोरीज। अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, यस, ये भी सही है। प्राइमरी मेमोरी हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए फास्ट फैसिलिटी देती है कंपेयर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पार्ट ऑफ द CPU, यस, ये CPU का पार्ट भी होता है। तो CPU के तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है ऑल ऑफ द अबव इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन कैरेक्टराइजिंग ए कंप्यूटर। स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, यस, ये तो देखा जाता है, दिस इज़ अ फैक्टर। अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी दैट CPU कैन यूज़, ये भी यूज़ किया जाता है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, ये भी डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे। कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क, ये भी कैटेगरी में आता है। और वेयर इट वॉज परचेज फ्रॉम, नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कहाँ से यूज़ किया, कहाँ से उसको परचेज किया, कहाँ से उसे ख़रीदा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी कंप्यूटर की जनरेशन को कैटेगराइज करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ई, वेयर इट वॉज परचेज फ्रॉम इज नॉट अ फैक्टर फॉर कैटेगराइजिंग ए कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। तो इसकी सही हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले आता है हमारा बिट, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 8 बिट से बनता है बाइट। जब बाइट्स होते हैं, बाइट से बनती है फील्ड, फील्ड से बनता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनती है एक फ़ाइल, और बहुत सारी फाइल मिलकर बनती हैं डेटाबेस। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल है इनपुट डिवाइस, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर जो स्क्रीन जो होती है कंप्यूटर या फ़ोन की, ये मॉनिटर होता है जिससे हमें आउटपुट मिलता है, जिस पे हम देखते हैं, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ। मैंने आपको भी बताया था कि CPU के तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था ENIAC और UNIVAC के बारे में, अगर आपको याद हो तो।
मैंने बताया था कि ENIAC जो है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, UNIVX सेकंड जनरल पर्पस कंप्यूटर है और फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है UNIVX इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी UNIVX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताई थी रैम और रोम, उसमें जो रैम है ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, और रोम जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी मतलब अगर हम कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वर्क करते टाइम लेट्स से लैपटॉप की या फ़ोन की या कंप्यूटर की बैटरी ख़त्म हो जाए और वो बंद हो जाए, तो जो भी हम वर्क कर रहे थे अगर हमने उसको सेव नहीं किया है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके अगर हमने उसको सेव नहीं किया है या फिर सेव एज नहीं किया है या कोई भी तरह से अगर हमने उसको सेव नहीं किया है, तो जो भी हमने वर्क किया था वो लॉस्ट हो जाएगा। जब भी हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे हमारे लैपटॉप को, जब भी हम इसको टर्न ऑन करेंगे हमारे लैपटॉप को, तो जो भी हमने वर्क किया था लास्ट टाइम वो सेव नहीं हुआ होगा और हमें वो वर्क वापस से करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वॉलेटाइल। और यही मतलब होता है टेम्प्रेरी मेमोरी, क्योंकि जब तक पावर रहती है तब तक ही वो डेटा रहता है, ठीक है, पावर गई डेटा लॉस्ट। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है कि अगर पावर चली भी जाए तो कंप्यूटर क्या करता है, ये जो रीड ओनली मेमोरी जो है ये क्या करती है, ऑटोमेटिक हमारे उस वर्क को सेव कर देती है, ठीक है, ऑटोमेटिक उस वर्क को सेव कर देती है, तो जो भी हमने वर्क किया वो लॉस नहीं होता, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, ठीक है। यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी जो कि टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी जो है टेम्प्रेरी मेमोरी है, तो हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी कौन सी है, वॉलेटाइल मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज़ कॉल्ड। तो मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी फंक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छी तरह परफॉर्म करता है, अच्छी तरह वर्क करता है, तो वो होते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, एंटीवायरस हो गया, इनकी वजह से क्या होता है हमारा कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। सॉरी आपको आंसर दिख गया है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं विच यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच में कौन वर्क करता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको आंसर पहले ही दिख गया था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं हमारे चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन को। क्यों कहते हैं इनको फादर ऑफ इंजन, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज़ द ऑड वन आउट। तो फर्स्ट है वर्ड, नेक्स्ट है एक्सेल, नेक्स्ट है एक्सेस, नेक्स्ट है कीबोर्ड और नेक्स्ट है पावर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं ए बी सी और ई, ये एमएस वर्ड के पार्ट हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट हैं, ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है ये हमारी इनपुट डिवाइस है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड मेमोरी यूनिट। मैंने आपको बताया था बिट
निबल, बाइट और वर्ड के बारे में कि वन बिट होती है ज़ीरो और वन, ज़ीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन, फोर बिट होती है निबल, एट बिट होती है बाइट, 16 बिट होती है वर्ड। उसके अलावा कुछ मेमोरी यूनिट्स और होती हैं। अगर 1024 बाइट को ठीक है कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है किलोबाइट, ठीक है। किलोबाइट के बाद अगर 1024 किलोबाइट को कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट को कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है टेराबाइट, और 10 टेराबाइट को कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पेटाबाइट को कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है एग्जाबाइट, 1024 एग्जाबाइट को कंबाइन करने से बनती है जेटाबाइट, ठीक है। 1024 जेटाबाइट को कंबाइन करने से बनती है योटाबाइट, 1024 योटाबाइट को कंबाइन करने से बनती है ब्रोंटोबाइट, और ब्रोंटोबाइट को कंबाइन करने से बनती है जियोबाइट, ठीक है। तो ये है हमारी मेमोरी के टाइप, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो अब हमारे ऑप्शन में हम देख लेते हैं, बाइट है, पेटाबाइट है, योटाबाइट है, किलोबाइट है। ILB ऐसी कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन व्हाट, एंटर डेटा नो, इसके लिए हम इनपुट डिवाइस यूज़ लेते हैं, रिप्लिकेट डेटा नो, स्टोर डेटा नो, इसके लिए मेमोरी यूनिट हैं, मॉडिफाई डेटा नो, और व्यू और प्रिंट डेटा यस। आउटपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, डेटा को देख सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, व्यू और प्रिंट डेटा, ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ या टॉपिक वाइज आपके लिए सेक्शन लेके आऊँ, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। वैसे मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपको बेसिक्स बताती रहूँगी, लेकिन अगर आपको स्पेशली कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता देना। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, और यहाँ पे मैं आपको और बाकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से हमारे उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, उसी के बाद ही मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वरना अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।